नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी बेसन और पालक की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और शानदार सब्जी। एक बार इस तरीके से सब्जी को बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होती है और जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर पालक को मैंने साफ करके इस तरह से काट लिया है पतला पतला। अब गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तब जीरा के साथ तड़का लगाएंगे। अब बारीक कटी हुई लहसुन और हरा मिर्च डालकर फ्राई कर लेंगे। आप यदि ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए तब बारीक कटी हुई प्याज डालकर इसे भी फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। अब अदरक का पेस्ट डालकर उसे भी साथ में भून लेंगे। जब ये सब अच्छे से भुना जाए और ब्राउन हो जाए तब इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया था जिसको बारीक बारीक इस तरह से काट लेंगे और सबके साथ मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे सॉफ्ट होने तक। अभी इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसे ढककर पका लेंगे। देखिए टमाटर अब 60% कुक हो चुका है। अब इसमें हरा मटर ऐड करेंगे। मटर को पहले से ही मैंने छील कर रखा हुआ था धुलकर, इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक साथ में इसको पकाएंगे। अब इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट अब हो चुका है। यहाँ पर मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, 3 छोटे चम्मच बेसन लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और सबको साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन के साथ बनी हुई पालक की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, एक बार आप इसे अवश्य ट्राई करिए। इसको ढककर पका लेंगे। देखिए सब कुछ पक चुका है। अब इसमें पालक ऐड करेंगे और मसाले के साथ पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। पालक बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। देखिए इसको उलट पलट कर अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, 1 छोटी कटोरी का। बहुत ही ज़्यादा थिकनेस था इस सब्जी में, बेसन के वजह से सब्जी ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी। थोड़ा पानी डालने से ये और ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होएगी। अब इसको देखिए उलट पलट कर चला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे इसको पानी डालने के बाद। इस तरह से अब ढक देंगे। देखिए अब सब्जी बनकर रेडी हो गई है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है। यदि यह रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर